पाली थाना क्षेत्र के चेतमा इलाके में चाकूबाजी की घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पाली के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा के बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। यहां पर पीड़ित का उपचार जारी है। घटना को अंजाम देने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है और तलाश शुरू की है। एक महिला से छेड़छाड़ करने की जानकारी मिलने पर आरोपी संजय चौहान को घर के लोगों ने नसीहत दी थी और उसकी हरकतों पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद पूछताछ के अंदाज में उसने लोगों को धमकाना शुरू किया और फिर राजपाल चौहान पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में उसे पेट और अन्य हिस्से में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित के भाई विशंभर चौहान ने बताया कि पाली में उपचार के बाद उसे कोरबा लाया गया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। तो वहां पाली लेके गए, पहले पाली वो खुद चल के गया। पाली हम लोग पहुंचे, उसके बाद पाली से फिर रेफर किया, तो प्राइवेट गाड़ी लेकर के हम यहाँ आए। पुलिस में शिकायत किया जी? पाली तो अब तक पकड़ा है? नहीं पकड़ा है सर, घूम रहा है और हम लोग को भी जान से मारने की धमकी दे रहा है सर, अभी भी दे रहा है। चौहान परिवार की सदस्य नीमा ने बताया कि एक महिला सदस्य के साथ संजय ने छेड़छाड़ की थी, जिस पर शिकायत मिलने के बाद उससे पूछताछ की गई। चाकूबाजी की घटना के बाद वह दूसरे तरीके से हमारे परिवार को मारने की धमकी दे रहा है। एक देरानी है उसके बारे से, तो घर के आदमी है कि बोल दिए, तो उसी से नाम से ना उसको धमकी दिए और मार दी सुबह 8 बजे। और हम लोग को पता नहीं, तो गाली वाली दिए थे, तो हम लोग को भी मारने के लिए आए थे। अब ये तो नहीं रहे थे, काम पे गए रही से, महुला मारे आ रही सबे गली में रहे हो, तो हमारे बच्ची भी तहुला मार दूँ जान से, और तो लड़का भी ला मार दूँ, तो घर वाला भी लैसे कहा। अभी भी धमकी दिए थे, तो घर आवा ऐसे कहा थे, तो जान से मार दूँ ऐसे कहा थे। पुलिस से इस मामले की शिकायत पीड़ित पक्ष के द्वारा की गई है। घटना में प्रयुक्त चाकू के अलावा और भी प्रमाण पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं। पीड़ित पक्ष ने आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग पुलिस से की है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए पवन तिवारी के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट।